ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो नशे में था। ट्रैफिक पुलिस वाले ने फुल ड्रिंक में फोर व्हीलर अपना चला रहा था, वो चलाते चलाते ऐसे गाड़ी चलाए कि पहले रिक्शे वाले को ठोके, रिक्शा पलट गया। एक ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल है जो ये गाड़ी चला रहा था, इसमें दारू की बोतल थी, दारू उसने पी रखी थी, इसने उसको इतने तेज से मारा कि ये गाड़ी जाकर के डिवाइडर में टकरा गई, उसका टायर फट गया। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। दिल्ली के मायापुरी थाना अंतर्गत एक पुलिसकर्मी ने रिक्शा चालक को कुचल दिया। पूरा मामला क्या है मौके पे देखिए। यहाँ थाने के ठीक बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनके परिवार परिजन से उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं इंडियन फेडरेशन ट्रेड यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्या क्या कुछ हुआ? हुआ ये था कि सुबह 7:30 और 8 बजे की बात है, ये मायापुरी डिपो के सामने कट है। नाम है अमित झा, उम्र 43 साल, 3 बेटी है, 1 बेटा है 7 साल का, रिक्शा चलाते थे, रिक्शा से उनका जीवन घर का खर्चा उर्चा चलता था, सागरपुर में रहते थे ये। एक ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल है जो ये गाड़ी चला रहा था, इसमें दारू की बोतल थी, दारू उसने पी रखी थी, इसने उसको इतने तेज से मारा कि ये गाड़ी जाकर के डिवाइडर में टकरा गई, उसका टायर फट गया, इसकी वजह से जाकर के रुक गया वहाँ पर। वहाँ पर कल हुई, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया हुआ है, वो अंदर बढ़िया से उसको खातिरदारी हो रही है। कोई नहीं, एक गाड़ी लेकर के भाग के, एक आम मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वही एक आम आदमी के साथ हो जाए तो पुलिस वहीं पर उसको डंटा मार मार कर उसको अधमारा कर देती। मारा हुआ डेड बॉडी, जो डेड बॉडी है वो दीनदयाल के अंदर पड़ी हुई है, पुलिस ने उनके परिवार को अपनी जिप्सी के अंदर बैठा कर गया। हम सिर्फ यहाँ पर 250 रिक्शे वाले थे, हम लोग आए थे कि चलो हम लोग एस एच ओ साहब से बात करते हैं, आप FIR काट लो, उसको गिरफ्तार कर लो। अभी तक तो उसको अंदर बैठा करके रखा हुआ है। आईयू हो पाई कि वो पुलिसकर्मी ही था? हाँ बिल्कुल, अंदर बैठा हुआ है, मैं उसको मिल करके यही कारण। देखिए एक बार दिखाना चाहूंगा, ये वही गाड़ी है जिससे पुलिसकर्मी ने रिक्शा चालक को कुचल दिया। और आपको दिखाना चाहूं मैं मौके ही हालात, देखिए गाड़ी की ये बोनट है, यहां से ये गाड़ी जो है रिक्शा चालक को हिट किया और रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ यहां पर और लोग हैं उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। आप लोगों ने देखा पूरा मामला क्या था? पूरे देखे थे, हम जैसे सब रिक्शे मैंने आए हुए हैं तो हम इसे देखे, हम भी सोच रहे हैं कुछ मदद करें साथ में, एक गरीब गरीबी का सहारा देंगे। पुलिस लोग, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कह रही है कि हमने उसको गिरफ्तार कर लिया, हम उसको मेडिकल कराएंगे। पुलिस ने जब मुझे डिटेन करके अंदर ले गई और मेरे साथ 2 वर्कर को ले गई, मैं सबको लेकर के आया, पुलिस का कहना था कि आप हमें 2 आदमी ला करके दो जिन्होंने देखा हो कि एक्सीडेंट हुआ हो। सवाल इस बात का कि आप यहाँ पर खड़े ना, टोटल थाने के अंदर रिकॉर्ड हो रही है कि कितने लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं। इस पूरे रोड को सीसीटीवी कैमरे से लेस करके रखा हुआ है, तब सीसीटीवी कैमरा निकाल लीजिए ना, कैमरे किस लिए लगे उससे सारी डिटेल आ जाएगी। जहाँ पे ये हादसा हुआ वहाँ सीसीटीवी है, सब कुछ टीवी है, DTC डिपो है, मेट्रो है, वहाँ पर तमाम रोड ये सर्विलेंस के अंदर लगा हुआ है, सारे ये कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर खड़े हैं, सब दिल्ली पुलिस देख रही है। कोई क्या कह रहा है? DTC के बस डिपो है वहीं पर, सारा कैमरा लगा हुआ है। किसकी गलती थी? गलती इसकी थी, गलती इसकी थी, पुलिस कर्मी की थी। उल्टा जानते क्या कह रहे हैं कि कल से एक रिक्शा इस रूट पे नहीं दौड़ेगा, हम नहीं दौड़ने देंगे। कौन कहा? दिल्ली पुलिस ने कहा, कांस्टेबल ने कहा, तमाम लोगों ने कहा। तो ये गाड़ी किस दिशा से आ रही थी? ये रॉन्ग साइड से थी, वो सीसीटीवी कैमरे में आ जाएगा, लेकिन रिक्शे वाला अपने राइट साइड से जा रहा था, ये कह रहे हैं कि रॉन्ग साइड से आ रहा था। अच्छा, गाड़ी चालक जो पुलिसकर्मी था वो रॉन्ग साइड से? हाँ, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में सारी चीजें आ जाएगी। हमने SHO साहब से मांग किया, राजीव है SI जिनके पास ये केस है, मैंने बोला सर आप सीसीटीवी कैमरे निकाल करके देख लो, उसमें क्लियरली कटा जाएगा। आप कहाँ से? बोला वहाँ पर रेडी लगती है 2-3 ड्राई, कह रहे रेडी, वहाँ पर कोई नहीं रेडी को तो भगा देगी वहाँ से पुलिस। तो रिक्शा चालक कहाँ के रहने वाले थे? रिक्शा चालक मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और अपने सागरपुर में अपनी विद फैमिली के साथ रहते हैं, 3 बेटियाँ हैं बड़ी बड़ी और 1 7 साल का बेटा है और उनकी पत्नी है। क्या नाम था उनका? अमित झा, उम्र 43 साल। देखिए अमित झा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, आपको बता दें वो अपने सही दिशा से जा रहा था और हालांकि ये जो स्विफ्ट डिजायर कार है इसी में वो पुलिसकर्मी ड्राइविंग कर रहे थे और बताया ये भी जा रहा है कि वो नशे में धुत थे, इनकी गाड़ियों से कई नशीले पदार्थ निकले। ये तमाम लोगों का आरोप है कि आखिरकार रॉन्ग साइड चला रहे थे और ऊपर से नशे में धुत थे और मौके पे रिक्शा चालक को कुचल दिया, जहां रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। अब तमाम रिक्शा चालक की ओर से तमाम लोग थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनका एक और आरोप है कि जैसे ये प्रदर्शन करने आए यहां पर तमाम पुलिसकर्मी इनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया और तमाम लोगों को घसीटते हुए भगा दिया। क्या कुछ देखा आपने? सर वो रिक्शे वाले ने उधर से गाड़ी लेके आ रहे थे मायापुर चौक से सागरपुर की तरफ, ट्रैफिक पुलिस वाले ने फुल ड्रिंक में 4-व्हीलर अपना चला रहा था, वो चलाते चलाते ऐसे गाड़ी चलाए कि पहले रिक्शे वाले को ठोके, रिक्शा पलट गया, उसके बाद गाड़ी गिर गई,
रिक्शे वाले के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए। चढ़ाने के बाद वो भागे। भागने के बाद उनको आके तुरंत डिवाइडर में लड़ा, ट्रैफिक पुलिस वाले का टायर फटा, फिर जाके वो पकड़ाया। तो ट्रैफिक पुलिस कर्मी क्या सही दिशा में आ रहे थे, रॉन्ग साइड था? नहीं, दिशा सही थी लेकिन उसने पीछे से ठोका। अच्छा, पीछे से ठोका, रिक्शा चला। हाँ, साइड से मार दिया। तो देखिए, आपको ये पूरा ही मौके की वारदात को आप बता दें कि मायापुरी थाने का ये पूरा मामला है। ये मायापुरी थाना है पीछे, और आपको बता दें जैसे ही रिक्शा चालक के फेवर में तमाम लोग यहाँ पर जवाब मांगने आए SHO से कि आखिरकार उसको डिटेन क्यों नहीं कर रहे, तो तमाम लोगों के ऊपर लाठियाँ बरसा दी गई। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज। नमस्ते, मैं हूँ मोनिका रावन, और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुँचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।